الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व सब बहनों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू सूरत अल और सूरत नास की तफसीर चल रही थी पिछली दफा जो है वो सही बुखारी की एक हदीस सुनाई थी मैंने जिसमें जादू के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ था उसके बारे में पूरी वरुदात थी आगे चलते हैं सूरतफल में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुकुम दिया है कि आप कह दीजिए कि मैं सुबह के रब की पनाह में आता हूँ हर उस चीज़ के हर उस चीज़ के शर से जो उसने पैदा की अल्लाह ताला ने पैदा की है उस हर चीज़ की शय से जो है अल्लाह ताला की हर इत, हर शय की शर से अल्लाह ताला की पनाह में आना सुबह को इसलिए खास किया गया है जिस तरह अल्लाह ताला रात का अंधेरा ख़त्म करके दिन की रोशनी ला सकता है उसी तरह वह खौफ और दहशत को दूर करके पनाह मांगने वाले को अमन भी दे सकता है या इंसान जिस तरह रात को इस बात का मंतजर होता है कि सुबह रोशनी सुबह रोशनी हो जाएगी इसी तरह खौफजदा आदमी पनाह के जरिए से कामयाबी की सुबह के तुलू होने का उम्मीदवार होता है फिर अल्लाह ताला की पैदा करदा हर चीज से पनाह मांगने का हुक्म दिया गया है जिसमें शैतान उसकी औलाद जहन्नम और हर वो चीज शामिल है जिससे इंसान को नुकसान पहुंच सकता है आगे है अंधेरी रात के शर से पना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया है कि आप अंधेरी रात के शर से अल्लाह ताला की तनाह मांगे जब के वो छा जाए रात को ख़ास करके वजह यह है कि रात के अंधेरे में खतरनाक दरिंदे कछारों से जानवर अपने बिलों से और इसी तरह जराइम पेशा अफराद अपने मजमू इरादों को अमली जामा पहनाने के लिए निकलते हैं मतलब क्या है कि रात के अंधेरे में खतरनाक दरिंदे जो है ना वो निकलते हैं शेर है और भालू वगैरह जो जैसे हैं वो निकल निकल आते हैं फिर मूजी जानवर जैसे कीड़े मकोड़े अपने बिलों से निकलते हैं सांप है चूहे हैं वो सारे रात होती है तो निकलने लगते हैं और इसी तरह जुराइम पेशा यानी कि जो जुर्म करने वाले हैं अफराद वो सारे भी जो है ना अपने इरादों को लेकर जो है ना अपने इरादे को को अमल में लाने के लिए जो है रातों को निकलने निकल आते हैं बहुत सारी बुराइयां जो है ना रातों को होती है तो हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला ने बयान करते हैं कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रात की जब इब्तिदा हो जब शाम हो तो अपने बच्चों को रोक लो और घर से बाहर ना निकलने दो क्योंकि इस वक्त शैतान फैल जाते हैं फिर जब रात की एक घड़ी गुजर जाए तो उन्हें छोड़ दो और दरवाजे बंद कर लो और इस वक्त अल्लाह ताला का नाम लो, क्योंकि शैतान बंद दरवाजे को नहीं खोलता जब रात को घर के दरवाजे बंद करो तो अल्लाह ताला का नाम लो यानी कि बिस्मिल्लाह कह कहकर जो है ना दरवाजे बंद करना है बिसमिल्ला कहकर एक बर्तन ढकना है सारी चीजें दरवाजों को भी अपने मेन दरवाजे को अपने बेडरूम के दरवाजे को हर दरवाजे को किचन के दरवाजे को हर दरवाजे को बिस्मिल्लाह कहकर बंद करना है तो अगर बंद करेंगे बिस्मिल्लाह कह के तो रात को जो है ना वो शैतान दरवाजे में खोल ही नहीं पाएगा कि वो दाखिल ही नहीं हो सकेगा और रात को जो है ना इब्तदाई रात में जब शाम होने लगे मगरिब फैलने लगे तो बच्चों को भी बाहर जाने से रोक दें और फिर जब थोड़ी रात गुजर जाए ईशा के टाइम पे या रात के बा मगरीब ख़त्म हो जाए उसके बाद अगर बच्चों को कहीं जाना हो तो फिर छोड़ सकते हैं लेकिन वो टाइम ऐसा होता है मगरिब के वक्त का कि जीन और शयातीन जो है ना वो फैले होते हैं तो उस वक़्त जाने के लिए इस हदीस में मना किया गया है और यह हदीस भी जो है ना सही बुखारी की है तो रात के शर से जब वो छा जाए रात को जो है ना बच्चों को तो घर पे घर के बाहर जाने ही नहीं देना चाहिए और इंसानों को भी जो है ना ज्यादा बाहर रात को नहीं घूमना चाहिए आजकल के दौर में कल्चर बन गया है और एक आदत सी हो गई है कि रात को ही निकलते हैं तो ये सब जो है ना हम लोग इस्लाम के खिलाफ ही बातें करते हैं बज दफ़ा फिर आगे जो है गिरहों में अल्लाह हमें इससे बचाए और अल्लाह तला हमें सही इस्लाम पर चलने वाला बनाए और तमाम ये शरों से हर चीज़ की बुराइयों से बचाए आगे जो है गिरहों में फूकने वालियाँ तीसरे नंबर पर पर इस सूरत में गिरहों में फूकने वाले नफ्सों की शर से पनाह मांगी जाए जो है ना नफ़ा सात तो इस सूरत में गिरहों में फूकने वाले नफ्सों की शर से पनाह मांग मांगी गई है औरतों का जिक्र आया था बाज लोग कहेंगे कि क्या औरतें ही जादू करनी होती है खास करके औरतें तो असल में नफा सा जो है ना औरतों के लिए नहीं है ये मुनस का सीगा है लेकिन है ना ये नफ्सों के लिए है चाहे वो मर्द का नफ्स हो या यानी कि जो जादूगरों के नफ्स होते हैं है जादूगरों के, 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 है, तो के लिए वहाँ पर फीमेल सी आया है तो इससे मुराद जादू का अमल करने वाले मर्द औरत और दोनों है यानी इसमें जादूगरों के शरारत से पना मांगी गई है आमतौर पर जिस पर जादू करना होता है उसके बाल या कोई चीज हासिल करके जादूगर किसी डोर या धागे पर पड़ पड़ कर फूँकता जाता है और उसमें गिरा लगाता जाता है इसलिए खास तौर पर गिरहों में फूकने वालों के शर से पनाह तलब की गई है इससे क्या पता चलता है से वो, जो है ना कि जादू दुनिया में है राइज है और जादू हो सकता है अल्लाह ताला की पना हासिल करनी चाहिए जादू जादूगरों से और जादू करने वालों की से तो उसके लिए जो है ना ये दोनों सूर्तें हमेशा पढ़ते रहना चाहिए सुबह शाम और एक जगह पढ़ा था कि अगर कोई ये जो सुबह शाम के अस्कार पढ़ लेता है ना तो गोया के वो एक किले में आ जाता है फोर्ट में आ जाता है फोर्ट के अंदर इंसान कैसा जो है ना सेफ होता है तो उस तरीके से ना एक फोर्ट में इसीलिए ना कुरान का दुआ की नाम किताब का नाम भी हिस्नुल मुस्लिम है कि वो हिस्नुल मुस्लिम का मतलब है तो मुसलमान को जो है ना एक सेफ्टी का जो है ना वो सर्कल दे देता है सेफ्टी के सर्कल में दाखिल कर देती है ये दुआएं सारी ना अस्कार सारे तो सेफ हो जाता है इंसान और जो सुबह शा, शाम के अस्कार नहीं पढ़ते कॉल पे मैं सुन रही थी पढ़ रही थी तो उसमें ताकि जो सुबह शाम के अस्कार नहीं पढ़ते गोया के वो बगैर असल है बगैर हथियार के मैदान जंग में कूद पड़ा है यानी कि बगैर हथियार के मैदान जंग में कूद पड़ा है मतलब कि अगर सुबह शाम के अस्कार अगर हम नहीं पढ़ते तो हम हमारे पास हथियार ही नहीं है कि हम जो है ना शैतान का मुकाबला कर सके और हम शैतान के के सामने जो है ना हम अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं और शैतान के सामने अपने आप को पेश कर रहे हैं अगर हम सुबह शाम के अस्कार नहीं पढ़ते तो तो शैतान और नजर बद और तमाम तरह के आफात जो है ना वो वो उसके सामने हम अपने आप को ना खुला छोड़ दे रहे हैं तो इसका मतलब है अगर हम अस्कार नहीं पढ़ते तो और अगर हम बाकायदा से रूटीन से अस्कार पढ़ते हैं तो अपने आप को एक सेफ्टी के घेरे घेरे में ले लेते हैं एक सेफ्टी के सर्कल में दे देते हैं अपने आप को तो ये सारी चीज़ें जो है ना हमारे ऊपर वार नहीं होती तो ये सारी चीज़ें जो अल्लाह के इज़न से ही होती है और अल्लाह ताली का हुक्म होता ही तो तो ही होती है वरना नहीं होती लेकिन अल्लाह तला के हुक्म ये भी है ना कि अस्कार पढ़ना चाहिए तो ये पढ़ते रहना चाहिए इनशाला आ, हिस्नुल मुस्लिम करके दुआ की किताब है ये मोबाइल में भी जो है ना आपको मिलेगी तो उसके अंदर जो है ना आपको मिलेगा कि आप लोगों को क्या करना है कि ये उसमें से सुबह शाम के अस्कार मुस्त अस्कार ऑथेंटिक अस्कार है वो पढ़ना है और जिसके पास मोबाइल में हिस्नुल मुस्लिम की इंग्लिश में भी है उर्दू में भी है हिंदी में भी है अगर किसी के पास ये दुआ की किताब नहीं है तो आप मुझे मैसेज कर दें तो इनशाला मैं आप, आपको शेयर कर दूंगी ठीक है फिर आगे जो है हाशिद के सर से पना मांगी गई है ना

इसी हसद के सबब से हुआ था जादू भी इसी हसद के सबब से होता है यहूद और मुनाफिक आपके आपकी और मुसलमानों की तरक्की को देखकर जलते चलते थे और ज़ाहरी जंग किताल की वजह से आप पर गालिब नहीं आ सकते थे इसलिए जादू के जरिए से उन्होंने अपनी हसद की आग को बुझाना चाहा हसद करना हराम और कबीरा गुना है ये एक नहायत बुरी इखला की बीमारी है जो दीनदारी को खत्म कर देती है नबी करीम वसल्लम का फरमान है जाम तिरमीजी की हदीस है तुम में से आहिस्ता आहिस्ता पहली उम्मतों का मर्ज हसद और भुगत सुरायत कर गया है यानी के दाखिल हो गया है आपस में भुगत रखना मूडने वाला मर्ज है मुंडने यानी के खत्म कर देने वाला शेव कर देने वाला मर्ज है मैं ये नहीं कहता कि वो सर के बालों को मूड देता है सर के बालों को शेव कर देता है बल्कि दीन को मुंड मुंड देता है दीन को खत्म कर देता है उस जा अब हमारे दीन को जो है ना वो खत्म कर देता है उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है तुम ईमान लाए बगैर जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते और तुम ईमानदार नहीं हो सकते जब तक आपस में मोहब्बत ना करो क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज की खबर ना दूं जो मोहब्बत पर कायम रखे आपस में सलाम को आम करो सलामती की दुआ सलाम क्या है सलामती की दुआ है अगर हम किसी को सलामती की दुआ देते हैं अस्सलाम वालेकुम वरकत हु क्या है ये कि तुम पर अल्लाह ताला की सलामती हो तुम पर अल्लाह ताला की रहमत हो अल्लाह ताला की बरकत हो अगर सही मानों में उसका मानी पढ़ कर जो है ना अगर हम सलाम करते हैं तो उसी इंसान के लिए जिसके लिए हम सलामती और रहमत और बरकत की दुआ करते हैं उसका नुकसान कैसे चाहेंगे नहीं चाहेंगे ना नुकसान तो आपस में ये ऐसी दुआएं देना भी तोहफा है और ऐसी दुआएं देने से मोहब्बत पड़ती है यह हदीस से पता चलता है तो अगर हम जिसके लिए सलामती का पैगाम दे रहे हैं सलामती की दुआ दे रहे हैं और रहमत की और बरकत की तो उसके लिए हम उसके लिए हम नुकसान कैसे चाहेंगे लेकिन असल में ना सामने वाले की जो है ना हसद की वजह से तरक्की की वजह से हमें हसद होती है और हम उसके जैसा बनना चाहते हैं लेकिन अगर उसके जैसा नहीं बन सकते हैं तो फिर उसको नीचा दिखाना चाहते हैं हाँ हर वक्त हर हर वक्त जो है ना उसके ऊपर इल्ज़ाम तराशी करते रहते हैं बहतान लगाते रहते हैं और जो है ना उसको नीचे दिखाने के लिए ना उसको उसकी छाप जो है ना वो बुरी करते हैं कि वो बुरा है इसीलिए हम उसके साथ ऐसा रवैया कर रहे हैं तो ये चीजें जो है ना हमारे खुद जो करता है ना जो हसद करता है ना उसी का नुकसान करती है उसी के दीन को खत्म कर देती है और अगर दीन खत्म हो गया तो उसका खात्मा खत्म हो गया उसकी दुनिया खत्म हो गई उसका आखिरत खत्म हो गई ठीक है ना तो दीन का बचाव करने के लिए ये सारी हसद वाली चीजें किसी के साथ रश रश्क करना वो नुकसानदेह नहीं है क्या अरे वाह अल्लाह ने उसको ये चीजें अदा किए काश के अल्लाह मुझे भी दे और फिर वो चीजें हासिल करने के लिए कोशिश करना ये कभीरा गुनाहों में से और ये जो है ना वो ये हराम नहीं है लेकिन ये रखना कि उसको अल्लाह ताला ने ये दे दिया है और मुझे नहीं दिया है तो अल्लाह ताला उससे भी छीन ले किसी तरीके से उससे ले ले और उसको जलील करे और उसको रसुवा करे और जो है ना चाहे मुझे दे या ना दे उससे उसके पास से छीन ले अल्लाह ये सारी चीजें होती है हसद होती है और इसके लिए जो है ना इंसान जो है ना जादू जैसे हथियार भी आजमा, आजमा लेता है तो अल्लाह ताला इन सारी चीजों से हमें बचाए हमारी अखला की बुराइयों को हमसे दूर करें ये कुरान पढ़ते रहेंगे ना इनशाला तो हमारी बहुत सारी इखला की बुराइयाँ जो है ना उसको हम पहचानेंगे और उससे दूर होने की कोशिश करेंगे अब देखे के आयत मुबारक मुबारक की हिकमत और तकाजे नुकसानदेह और मूजी चीजों से पना देने वाली सिर्फ अल्लाह ताला की ज़्यादा है लिहाजा उन चीजों के शर्स से अल्लाह ताला की पनाह मांगनी चाहिए अल्लाह ताला के सिवा किसी दूसरे से पनाह मांगना या उसको मसाइब और मुश्किल दूर करने पर कादिर जानना शिरक है जो कबीरा गुना है और नाकाबिल माफी जुर्म है जो सूर्य फलक और सूर सूर अखलास और सूर्य नास जो अच्छी तरह समझ लेगा कुरान को अच्छी तरह समझ लेगा तो जो है ना आयतल कुर्सी को अच्छी तरह समझ लेगा कभी भी वो अल्लाह के अलावा किसी और से मदद नहीं मांगेगा कभी भी अल्लाह के अलावा वो किसी से जो है ना तो अः लो नहीं लगाएगा मोहब्बत नहीं करेगा तो अल्लाह से ही मोहब्बत करनी है क्योंकि साफ अल्लाह ने अपने कलाम में ये बातें बता दी फिर आ गए जादू की तासीर बरहक है लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर ये किसी को ना नफा पहुंचा सकता है और ना नुकसान हर मुसलमान का यही अकीदा होना चाहिए जादू हो जाने की सूरत में कुरानी आयत और मसरूम दुआओं के जरिए से इसका इलाज करना चाहिए जादू का तोड़ जादू से या कुफ्रिया और शिरकिया कलमात से करना हराम और गुना काम है इससे हर सूरत बचना चाहिए हम जादू हम जो है ना जादूगरों के पास जाते हैं हम पर जादू हुआ है इसकी उसका तोड़ करने के लिए ये भी हराम है हमें राखी के पास जाना चाहिए जो रुकिया शरैया के जरिए से जादू का इलाज करते हो और वो जो है ना सही मुस्तनी जो है ना कुरान की आयतें पढ़ते हैं और दम करते हैं उनके पास जाना चाहिए लेकिन है ना ऐसे वैसे लोगों से पास जाना तावीज़ें लेना जो ऑथेंटिक नहीं है ऐसे वजीफे लेना ये सारी चीजें जो है ना मना है जादू करना कुफ्र है और जादू करने वाला काफिर है और जादूगर की सजा कतल है इस्लाम में ये समझ ले अच्छी तरीके से कि जादू करना कुफ्र है और जादू करने वाला काफिर है और जादूगर की सजा कतल है शाम के वक्त बच्चों को घरों से बाहर नहीं निकलने देना चाहिए और घरों के दरवाजे बंद कर देने चाहिए क्योंकि ये शयादीन के फैलने का वक्त है और वह बच्चों को नुकसान पहुंचा सकते हैं हसद एक नहायत बुरी इखला बीमारी है जो इंसान की दीनदारी का बेड़ा गर्क कर देती है हर मुसलमान को इस बीमारी से बचने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए हासिदीन ने उमत मुस्लिमा के घर गिर्द घेरा डाल डाला हुआ है हासिदीन ने उम्मत मुस्लिमा के गर्द घेरा डाला हुआ है और अपने हसद की आग से उनको खाक सतर करने का पुख्ता इरादा कर चुके हैं ये पॉलिटिकल लेवल पर भी ऐसी बातें होती है इससे बचाव का वाद तरीका यह है कि उम्मत मुस्लिम दीन इस्लाम की पाकिजा तालीमात पर अमल पैरा हो जाए और तागुती निज़ाम से मुकम्मल तौर पर ऐलान बगावत कर दे आगे जो है आ, आ, ये फलक की थी अब नास की जो है ना मस्जिद तफसर हम करते हैं अगले ऑडियो में इनशा अः सुबह नकल्ला वमदे का नशतिले